अब हम शुरू करते हैं आगे के अभ्यास कार्य ई इला आई वाला प्रत्ययों का प्रयोग करके शब्द बनाइए। इससे पहले हमने ना वाले प्रत्यय का शब्द बनाए थे, ठीक वैसे ही ई इला आई वाला प्रत्ययों का प्रयोग करके शब्द बनाना है। जैसे कि ध न है, ध और न में ई लगा देने से बन जाएगा ध न में बड़ा ई धनी। ठीक वैसे ही पढ़ 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 ड में आई प्रत्यय हम लगाते हैं तो बन जाएगा पढ़ाई। ठीक वैसे ही चमक चमक में इला प्रत्यय लगाएंगे तो चमकीला बनेगा, वैसे ही गुण में ई लगाएंगे तो गुणी बनेगा। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग स्वयं करोगे, ठीक है। आगे घ कविता में से अनुस्वार मीन्स हम की मात्रा एंड अनुनासिक चंद्रबिंदु वाले दो दो शब्द छांटिए। आप लोग को कविता से छांटना है हम की मात्रा लगा हुआ शब्द और अनुनासिक चंद्रबिंदु लगा हुआ शब्द, ये भी आप लोग के लिए होमवर्क है। आगे अंग में आ जाइए, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके एक वचन एवं बहुवचन में वाक्य बनाइए। जो शब्द दिया हुआ है फूल, फूल एक वचन है और फूल का बहुवचन क्या होगा, फूलों, फूलों बहुवचन। ठीक वैसे ही बादल एक वचन है, बादल का बहुवचन बादलों। किरण एक वचन है, किरण का बहुवचन होगा किरणों। दवाई एक वचन है, दवाई का बहुवचन होगा दवाइयों। तो आ जाइए हम फूल का एक वचन बनाते हैं, यह गुलाब का फूल बहुत ही सुंदर है। आप अपने मन से भी बना सकते हो। वैसे ही बहुवचन में उपवन में फूलों, फूलों जो है बहुवचन है, यहाँ पे अंडरलाइन करते हैं, वैसे ही फूल एक वचन है। तो उपवन में फूलों के बहुत से पौधे लगे हैं। ठीक वैसे ही बादल, बादल एक वचन है, आसमान में बादल छाए हैं बादल। अब बहुवचन में बनाना है, बादलों से आसमान भरा हुआ है, ये बहुवचन में बन गया। वैसे ही किरण एक वचन है, किरण की पहली छटा देखते ही बनती है, बहुवचन में हम बनाएंगे, हमें सुबह की पहली किरणों से शक्ति मिलती है। आगे है दवाई, दवाई एक वचन है, स्वस्थ होने के लिए दवाई की जरूरत होती है, दवाई एक वचन, बहुवचन में दवाई को दवाइयों। हमें सिर्फ दवाइयों के सहारे नहीं रहना चाहिए। इस तरह से आप लोग को वाक्य में प्रयोग करना है। ये जितने भी बुक वर्क दिया हुआ है सबको कंप्लीट करते हुए कॉपी में प्रश्न उत्तर अर्थ लेखन कार्य पूर्ण करना है। अब आगे आओ कुछ करें, इसमें प्रकृति पर आधारित अन्य कोई कविता कक्षा में गाइए, प्रिपेयर करना है कक्षा में सुनाने के लिए। मैं आगे है, इस कविता से मिलने वाली शिक्षाएं आप चार्ट पेपर में लिख सकते हो, अपने सुंदर अक्षर में सजा के लिख सकते हो कि आपने क्या क्या सीखा, किससे क्या सीखा, सूरज से, चंद्रमा से, नदी के बहते हुए जलधारा से, दीपक से, फूल से, भौरा से, क्या क्या सीखे उसको सुंदर अक्षर में चार्ट पेपर में लिख सकते हो। नीचे दी गई पंक्तियों को स्वयं पूरा करके प्रयास कीजिए। स्वयं आप अपने से भी बना सकते हो। इसमें दिया हुआ है सच्चाई की राह पर चलना सीखे, तो आगे हम बना सकते हैं ऊंचे से ऊंचे कार्य करना सीखे, दुख सभी के हरना सीखे, जीवन में आगे बढ़ना सीखे। ये इस पाठ का प्रश्न उत्तर है, अभ्यास कार्य है जो आप लोग को पूर्ण करना है। ओके, थैंक यू।